हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिता आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। ये मेरा पहला चैनल है तो सोचा आज कुछ मीठा से मैं शुरुआत करूँ, क्योंकि आज बुध पूर्णिमा है तो बुध पूर्णिमा के दिन ही मैंने आज सोचा है मेरे चैनल को स्टार्ट करना। तो चलिए, बुध का जो स्पेशल डिश है, जो उनका फेवरेट डिश है, खीर या पायस जो भी बोले आप लोग, वो उससे मैं आज मेरा किचन को शुभारम्भ करूँ। आशा करती हूँ आप लोगों का दुआएं और साथ मेरे साथ रहेगा। अगर आपको मेरे चैनल को पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं मेरा पहला डिश, खीर बनाना। तो आइए मेरे साथ चलिए, ज़्यादा बातें ना करके हम लोग मेरा पहले डिश जो मीठे से है, तो हम मेरा डिश पहले शुरू करते हैं। खीर के लिए हमें चाहिए चीनी, ये देखिए चीनी चाहिए हम लोगों को, फिर चाहिए तेजपत्ता, फिर चाहिए बादाम, काजू, किशमिश, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और चावल, दूध और थोड़ा सा घी। देखिए गाइस, चावल को हमने भिगो के फिर धो के रखा हुआ है, फिर चीनी कटोर में निकाला हुआ है 1 कटोरी, फिर 1 लीटर दूध चाहिए हम लोगों को लिक्विड, और यहाँ से घी थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए 2 से 3 चम्मच। वही किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, इलायची हो गया, हरी इलायची हो गया, फिर बड़ी इलायची हो गया और तेजपत्ता। चलो इन सब चीज़ों से अभी हम लोग स्टार्ट करें बनाना। अभी हम गैस पे पैन बिठा दिया है, पैन के ऊपर थोड़ा पानी देके उसको साफ़ करके फेंक देंगे। अभी जो चावल हमने धो के रखे थे ना, वहाँ पे 2 चम्मच घी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हो सके तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ गंदा हो जाएगा इसलिए मैं चम्मच से कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, देखिए इस तरह। फिर जो पैन हम लोगों का गर्म होने के लिए दिया था, वहाँ पर 1/2 टेबल स्पून घी डाल दीजिए। घी गरम होते ही आप उस चावल को वहाँ पे डाल दीजिए, अच्छी तरह से इसको डाल दीजिए। फिर चावल के ऊपर ही आप जो तेज पत्ता है ना, इसको डाल दीजिए। हाँ, इस तरीके से इसको डाल दीजिए। उसके बाद हरी इलायची को थोड़ा कूट के वहाँ पे डालिए, उसके बाद बड़ी इलायची को खोल के उसका बीज डाल दीजिए। अच्छी तरह से खोलो और इसमें का बीज वहाँ पे डाल दो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भूनिए। 10-15 मिनट बाद जब लाल हो जाएगा चावल, वहाँ पे अभी दूध डाल दीजिए। मैं 1 लीटर पूरा ही डालूंगी यहाँ पे। देखिए सब डाल दिया, अभी इसको अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कीजिए। देखिएगा नीचे नहीं तो जल जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। घुमाते हुए इसको उबाल आने दीजिए। उसके बाद देखिए 15-20 मिनट बाद इससे चावल गल जाएगा पूरा, तभी उसमें आप लोग चीनी डालिए। पहले चीनी मत डाल दिएगा, नहीं तो चावल नहीं पकेगा, इसलिए चीनी लास्ट में डाला जाता है चावल पकने के बाद। मैंने 1 कटोरी से थोड़ा बचा के रखा हुआ है, ज़रूरत होगा तो डाल देंगे, मुझे यही सही लग रहा है। मीठा मैंने कम ही दिया है, तो इसको अच्छी तरह से घुमा दीजिए। अभी साइड में एक पैन लेके आंच में बिठा दीजिए, वहाँ पे 1/2 टेबल स्पून घी डालिए, फिर वहाँ पे 2 इलायची कूट के डालिए, फिर जो बादाम था और काजू था ना, उसको इस गर्म घी में थोड़ा सा भून लीजिए। किशमिश को बाद में भूनिएगा, इसको अच्छी तरह से भून के वहाँ पे डाल दीजिए। देखिए आपका खीर रेडी, देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना गाइस, घर में बना के आप लोग देख सकते हैं इसको और इसका लुत्फ उठा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा पायस बन के रेडी हो गया है, इसको घर पे बनाइए आप लोग और खूब इंजॉय कीजिए।